अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पोएम का नाम है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्ट विटमैन। तो ये पोएम कहाँ से ली गई, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ राइटर का एक वर्क है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। ये लीव्स ऑफ ग्रास मल्टीपल पोएम्स का कलेक्शन है, ठीक है, पोइट्री का कलेक्शन कह सकते हैं हम लोग। इस कलेक्शन के अंदर टोटल 400 पोइम्स हैं, लेकिन जब पहले राइटर ने इसके अंदर पोइम्स लिखी थी तो वो टोटल 12 थी। बाद में इसको रिवाइज करके उसने टोटल इसके अंदर 400 पोइम्स ऐड की। तो वो सब की सब पोइम्स जो है अपनी एक डिस्टिंक्टिव पोजीशन रखती हैं, उन सब का एक अपना रोल है, अपनी ब्यूटी है, ऑल अबाउट नेचर, डेमोक्रेसी, सो ऑन। वर्क जो पब्लिश हुआ ये 1855 में, 4 जुलाई 1855 में ये वर्क पब्लिश हुआ, लीव्स ऑफ ग्रास, जिसके अंदर राइटर ने प्रेज किया है नेचर को और उन इंडिविजुअल ह्यूमन को जो इस नेचर के अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं। राइटर प्रेजेस नेचर एंड द इंडिविजुअल ह्यूमन्स रोल इन इट। थीम्स हम देखेंगे इस लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर। अभी मैं सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ की नहीं बात कर रही, मैं जनरली पूरी बुक की बात कर रही हूँ। डेमोक्रेसी का थीम है, डेथ का थीम है, मिस्टिसिज्म का थीम है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का थीम है, टाइम दिखाया गया, नेचर दिखाया गया, द सेल्फ की बात की गई, द बॉडी एंड द सोल की बात की गई, यूनिटी वर्सेस इंडिविजुअलिज्म की बात की गई। इसके अलावा राइटर ने इसके अंदर रोमांस एंड सेक्सुअलिटी के थीम को भी डिस्कस किया। एनी हाउ थ्रू द लीव्स ऑफ ग्रास से निकल के वॉल्ट विटमैन की तरफ आते हैं कि ये कौन था। ये एक अमेरिकन पोएट था, एसिस्ट भी था और जर्नलिस्ट भी था, एक ह्यूमनिस्ट भी था, जो ट्रांसेंडेंटलिज्म और रियलिज्म ये दो मूवमेंट चल रही थी उनके दरमियान की चीज़ है, मीन्स उनके दरमियान में आता है। ट्रांसेंडेंटलिज्म कैसी मूवमेंट थी, ये वो मूवमेंट थी जो कि 1820s में स्टार्ट हुई थी और 1830s तक रही थी ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। इनका बिलीफ ये था जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टीज़, ये इंसान की जो इंडिविजुअल की प्योरिटी होती है ना, उस प्योरिटी को करप्ट कर देते हैं। और इस मूवमेंट के जो लोग थे, ट्रांसजेंडरिस्ट थे ना, उनका ये बिलीव था कि इंसान अगर इंडिपेंडेंट है और सेल्फ रिलियंट है तो वो बेस्ट है। इनका फोकस नेचर पे होता था, ये आइडियलिज्म के आइडियाज़ को एम्ब्रेस करते थे और मटेरियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और इस मूवमेंट के तीन बेसिक्स जो वैल्यूज़ हैं, तीन जो मेन वैल्यूज़ हैं, वो ये है इंडिविजुअलिज्म, आइडियलिज्म, डिविनिटी ऑफ नेचर। और इन्हीं बिलीफ को फॉलो करता था वॉल्ट विटमैन। और इनका जो वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, ये बहुत कंट्रोवर्शियल वर्क कंसिडर किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसके अंदर उस टाइम पे सेंसुअल प्लेजर्स के वर्ड, उस टाइम पे इन्होंने सेक्सुअलिटी के वर्ड्स यूज़ किए इसके अंदर, जो कि अलाउ नहीं थे। काफ़ी सेक्सुअल इमेजरी भी यूज़ की इन्होंने इसके अंदर। तो एनी हाउ उस टाइम पे सब कुछ अलाउ नहीं था डिस्कस करना बुक्स के अंदर, तो इसी बेस पे इनके फिगर को भी और इनके वर्क को भी कंट्रोवर्शियल कंसिडर किया गया उस टाइम पे। और इवन के इनका जो वर्क था लीव्स ऑफ ग्रास, इसको बैन भी किया गया था। वॉल्ट विटमैन जो है वो मोस्टली फ्री वर्ड्स यूज़ करते थे, उनका ये पूरा का पूरा वर्क फ्री वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो उन्होंने मेट्रिकल ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया अपने राइटिंग के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मैंने अभी मिस्टेक की थी, सॉन्ग्स नहीं वर्ड सॉन्ग होते, मैंने इसको कट किया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पर थोड़ी सी बात कर लेते कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहली पोएम लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, और ये पोएम फ्री वर्ड्स की फॉर्म में लिखी गई। इसमें टोटल 13 लाइन्स हैं, मतलब इसके फर्स्ट सेक्शंस के अंदर। वैसे तो इसके अंदर टोटल लाइन्स 1300 हैं और 52 सेक्शंस हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट सेक्शन है, हमने इस वीडियो के अंदर अभी फर्स्ट सेक्शन को ही डिस्कस करना है, उसमें लाइन 1 से लाइन 13 को हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 1 के अंदर टोटल 13 लाइन्स हैं, वैसे इसके टोटल 52 सेक्शंस हैं, और 52 सेक्शंस के अंदर 1300 लाइंस आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत लॉन्ग पोएम है। इस पोएम में राइटर ने सेलिब्रेशन ऑफ द सेल्फ की बात की है, जो बहुत लेवल पे होगी। इसमें इंडिविजुअल लेवल भी और यूनिवर्सल लेवल, दोनों लेवल की बात करेगा कि दोनों लेवल की सेल्फ, यानी कि अगर इंडिविजुअल सेल्फ हो या यूनिवर्सल सेल्फ हो, उन सब की सेलिब्रेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए। इस पोएम में जो पोइट की अप्रोच है वो सब्जेक्टिव अप्रोच नज़र आएगी, मतलब आई मी माई सेल्फ इस तरह के वर्ड यूज़ करेगा। और किन से बात कर रहा होगा, ये मोस्टली रीडर से ही बात कर रहा है, रीडर को बता रहा है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट लाइन देखें, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ,
myself और I, तीनों वर्ड क्या हैं? सब्जेक्टिव अप्रोच के, खुद के बारे में बात कर रहा है. कहता है I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you. तो कहता है कि सेलिब्रेट करना मीन्स खुशी मनाना. आई सेलिब्रेट माई सेल्फ मतलब मैं खुद की खुशी मनाता हूँ. एंड सिंग माई सेल्फ और खुद के बारे में गुनगाता हूँ, खुद ही के गीत गाता हूँ. एंड वॉट आई अज्यूम और जो मैं सोचता हूँ, यू शैल अज्यूम तुम्हें भी वही सोचना होगा या तुम भी वही सोचते हो या फिर तुम भी वही सोचते होगे. ठीक है, यहाँ पे देखें स्टार्टिंग पे एटीट्यूड सब्जेक्टिव है, अपने बारे में कह रहा है मैं ऐसा करता हूँ तो मैं वैसा करता हूँ और मैं जो सोचता हूँ तुम्हें भी वही सोचना चाहिए और तुम भी वही सोचते होगे. क्योंकि क्यों आगे बता रहा है, क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, कि जिस चीज़ से मैं बनाऊ ना तुम भी उसी चीज़ से बने हो. जो एटम मेरे अंदर है वही एटम तुम में यूज़ किया गया हुआ है, तो दोनों एक ही चीज़ से बनाए गए हैं, इसलिए जो चीज़ मैं सोचता हूँ ना तो वो भी तुम सोचते होगे. तो इट मीन्स वी आर इंटरकनेक्टेड. पोएट बात किससे कर रहा है? आपसे, मुझसे, मीन्स रीडर से बात कर रहा है. यहाँ पे किसकी बात करते हुए? अपनी बारे में बात करते हुए. सब्जेक्टिव अप्रोच करते हुए वो यू से बात कर रहा है, मीन्स आपसे बात कर रहा है, रीडर से वो बात कर रहा है. और उसमें वो कह रहा है कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ वही तुम सोचते हो. फॉर एवरी एटम, एटम कहते हैं चीज़ पार्टिकुलर को, जैसे कि इंसान पानी मिट्टी और खून और गोश्त से बनाया गया, बिल्कुल वही चीज़ कहता है मैं भी उससे बनाऊँ तुम भी उससे बने हो, तो हम दोनों सेम थिंकिंग रखते हैं. ब्रदरहुड यहाँ पे थीम अप्लाई हो रहा है, इंटरकनेक्टेडनेस का थीम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. और लेकिन जो स्टार्टिंग की लाइंस है आई माई सेल्फ और मी, इस तरह के वर्ड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ईगोइस्टिक एटीट्यूड, ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड. और इसके अलावा ये भी इंटरप्रिटेशन निकल रही है यहाँ पे कि पोइट कह रहा है मुझे खुश रहने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पे डिपेंड करता हूँ. जैसा कि ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट का एक इफेक्ट ये भी था, एक मेन पॉइंट ये था कि लोग सेल्फ सेंटर्ड थे, इंडिपेंडेंट को प्रेफरेंस देते थे. वैसे कह रहा है कि मैं खुद में खुश रहता हूँ, मुझे खुद की खुशी के लिए किसी पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है. और जब ये अपने बारे में बात कर रहे थे तो साथ इसने कह दिया व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, तुम भी वही अज्यूम करते होगे. मींस अब यहाँ पे यूनिवर्सल थीम ले आए, सारी ह्यूमैनिटी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया कि नहीं सिर्फ मैं नहीं तुम भी ऐसे हो, तुम भी इंडिपेंडेंट हो, तुम भी खुश हो, तुम भी खुद के बारे में गीत गाते हो क्योंकि तुम भी उसी चीज़ से बने जिस चीज़ से मैं बनी हुई हूँ, बना हुआ हूँ. तो इट मीन्स ना सिर्फ ब्रदरहुड बल्कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड का थीम यहाँ से हमारे पास सामने आया. अब नेक्स्ट लाइन देखें, आई लोफ, लोफ कहते हैं एमलेसली टाइम स्पेंड करना. एंड इन्वाइट, इन्वाइट कहते हैं दावत देना. माई सोल, आई लीन, लीन कहते हैं बेंड होना, झुक जाना. एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग, ईज कहते हैं ट्रांक्विलिटी को, पीस को, सुकून को, जिसमें कोई भी ना डिसकम्फर्ट अवेलेबल ना हो. ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करते हुए, गौर करते हुए, अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, स्पेयर कहते हैं एक नोक को, घास होती है ना ऐसे 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 ऐसे, इसकी जो नोक है इसको कहते हैं स्पेयर, स्पेयर ऑफ समर ग्रास. अब यहाँ पे क्या हुआ है, पोएट एक सूखी हुई घास को ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, अब क्या कहता है, इसने एक नया तरीका बताया यहाँ पे हैंग आउट का, बाहर निकलने का, विजिट करने का, ऑब्जर्व करने का. था आई लव एंड इन्वाइट माई सोल, मैं निकलता हूँ और अपनी सोल को भी इनवाइट करता हूँ. और मैं अपना टाइम किस तरह स्पेंड करता हूँ, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, मैं झुक जाता हूँ, यानी कि अब समर की जो ग्रास है उसके ऊपर झुक गया है, उसकी जो नोक है मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ. ऐसा टाइम स्पेंड कर रहा है पोइट, कि पोइट गया आप कह लें कि एक खेत में गया, फिर एक बाग में गया, वहाँ पर घास है, घास उठी हुई है, तो उसके जो नोक है घास, उस घास की नोक को पोइट ऑब्जर्व कर रहा है, जिसमें पोइट को मज़ा भी आ रहा है, उसको इंजॉय भी कर रहा है. कि पोइट कह रहा है मुझे कोई वरी नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं टेंशन फ्री बंदा हूँ. क्योंकि लोफ का वर्ड यूज़ किया हुआ है तो मतलब केयरलेसली टाइम स्पेंड करना, मैं अपने वक्त की फिक्र नहीं करता, मैं अपनी रूह को अपने साथ लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ और जाकर गर्मियों के मौसम में जो घास है उस घास पर लेट कर उसकी जो नोक है उसको देखते हुए मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ पूरी दुनिया को, ऑब्जर्व करता हूँ उस घास की नोक को. ग्रास जो है ना बेसिकली किसको सिंबलाइज करती है? साइकिल ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करती है. ठीक है, क्योंकि ग्रास छोटी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है, फिर सूख जाती है, फिर दोबारा उग के नहीं आती है.
तो वो साइकिल ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करता है. तो इट मींस यहाँ पे कह सकते हैं कि पोइट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है लाइफ को, कि कैसे लाइफ स्टार्ट होती है, फिर आगे जाती है, फिर आगे जाके फिर कैसे एंड हो जाती है, फिर दोबारा से एक सर्कल शुरू हो जाता है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर्कल ऑफ लाइफ का थीम जो है ना वो इंडिकेट किया जा रहा है, और लाइफ वर्सेस डेथ का थीम भी यहाँ से इंडिकेट किया जा रहा है, और थीम ऑफ चेंज भी इंडिकेट किया जा रहा है. एनालिसिस करना ना, हम ऐसे तो उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं. फिर आगे से कहता है, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर. अब यहाँ पे पैट्रियोटिक टोन नज़र नहीं आ रही कि मेरी ज़ुबान, मेरी खून का हर एक एटम, हर एक पार्टिकुलर वो इस ज़मीन से बना है, इस हवा से बना है. अब राइटर बिलोंग करता है अमेरिका से, तो यहाँ पे वो अमेरिका को ट्रिब्यूट प्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो ब्लड है, मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज, मेरा ब्लड, मेरी बॉडी का हर एक पार्ट जो है, मेरे ब्लड का हर एक पार्ट है वो इस सॉयल से बना है, इसी की, इसी लैंड की हवा से बना है. बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, एंड देयर पेरेंट्स द सेम. कहता है कि मेरे बाप दादा भी यहाँ पैदा हुए, मतलब मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पैदा हुए, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स भी यहाँ पैदा हुए, और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पैदा हुए. मीन्स पेट्रियोटिक टोन. तो इसीलिए आई लव माई लैंड, मुझे अपने लैंड से मोहब्बत है. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ये कि मैं अगर इस लैंड से बिलोंग करता हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स भी इस लैंड से बिलोंग करते थे, अमेरिका से मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स भी इस लैंड से बिलोंग करते थे, और मेरे भी जो बॉडी का एक एक पार्टिकल है, एक एक पार्टिकल है, एक एक पार्ट है, एक एक एटम है, मेरे ब्लड का एक एक एटम है, वो सब का सब अमेरिका के लैंड से बना है. मेरी टंग, मेरी जो लैंग्वेज है वो भी अमेरिकन है. ठीक है, तो यहाँ पे थीम कौन सा आया, पैट्रियोटिज्म का. अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन्स है, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ. यानी कि जिस टाइम पे पोइट पोइट्री लिख रहे थे उस टाइम उनकी एज क्या है, 37 साल. कहता आई, मैं नाउ, अब 37 ईयर्स ओल्ड, मैं 37 साल का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अब मेरी जो सेहत है बिल्कुल ठीक है, मैं अभी तक परफेक्ट हूँ. होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, सीज का मतलब होता है खत्म हो जाना, कम टू एन एंड, ठीक है बिल्कुल खत्म हो जाना, स्टॉप हो जाना. होपिंग टू सीज, होपिंग मीन्स उम्मीद करता हूँ, टू सीज नॉट टिल डेथ कि मैं मौत तक नहीं रुकूंगा, मीन्स कि मैं अभी तक जो हेल्दी हूँ ना, मेरी ये हेल्थ मेरे डेथ तक मुझे हेल्दी ही रखेगी, मैं सिक नहीं होने वाला, मैं इल नहीं होने वाला. और इसको इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं पिछले वाली लाइन्स के साथ कि जो मेरा लव है, मेरा पैट्रियोटिज्म है, वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा. ठीक है, एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ हेल्थ के बारे में कि मेरी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है, 37 ईयर्स का मैं हालांकि हूँ. अब ये हेल्थ अच्छी क्यों है, क्योंकि मैं लोगों पे डिपेंड नहीं करता. पीछे हमने पढ़ा ना पिछली लाइन्स में कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं लोगों पे डिपेंड नहीं करता, मैं खुद के गुण गाता हूँ, मैं खुद ही में खुश रहता हूँ, मुझे खुश रहने के लिए खुद की ही ज़रूरत है. और मैं सोचता हूँ तुम भी यही कुछ सोचते होगे. फिर कहता है जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं एक सूखी घास पे बैठ के उस घास को अब्जॉर्ब करता हूँ, मीन्स अपनी लाइफ को ये हैप्पीली स्पेंड कर रहा है. तो कहता है अब मैं 37 ईयर्स का हूँ, स्टिल मैं हेल्दी हूँ, और मुझे होप है कि जब तक मेरी डेथ नहीं होती तब तक भी मैं हेल्दी ही रहूँगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ. ठीक है, हम ये भी इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. और दूसरी बात मैंने बताई थी अभी आपको पैट्रियटिज्म, कि मेरी मोहब्बत भी कभी ख़त्म नहीं होगी. हेल्थ को यहाँ से लिंक किया जा सकता है इसके लव के साथ भी, कि मेरा जो पैट्रियटिज्म है, मेरा पैट्रियोटिक एक्ट है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. और अभी मैं 37 ईयर्स का हूँ और ये पैट्रियटिज्म टिल मेरे डेथ तक भी ऐसे ही रहेगा. आगे देखें, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेंस. क्रीड्स कहते हैं आपके फेथ को, आपके बिलीफ को, आपके रिलीजन को. स्कूल्स कहते हैं जो आप स्कूलिंग में जाते हो, सीखते हो, वो सब कुछ. अबेंस कहते हैं, तो अबेंस कहते हैं ऐसी स्टेट जो कि टेम्परेरी हो और सस्पेंशन हो उसमें, मतलब छोड़ देना, तर्क कर देना, ख़त्म कर देना. अबेंस छोड़ देना. कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेंस, जो आपने अपना आपका फेथ है, आपका जो रिलीजन है, आपका जो स्कूल है, आपको चाहिए कि वो छोड़ दो. इस लाइन की बेस पे राइटर पे एथीस्ट का टैग भी लगा था, लेकिन राइटर कहते मेरा वो पर्पस नहीं था. एनी हाउ कहते क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेंस, आपका जो स्कूल है, जो आपने स्कूलिंग से सब कुछ, जो किताबें पढ़ी हैं, जो किताबों से सीखा है, वो सब कुछ, और फेथ जो आप मज़हब के बारे में सुनते आए हो, जो कुछ सीखते आए हो, वो सब कुछ, कहते छोड़ दो. अबेंस छोड़ दो. रिटायरिंग बैक अ वाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन. सफाइस्ड कहते हैं बीइंग, काफ़ी होना. ठीक है, एडुकेट होना, एजुकेट होना, लाइक काफ़ी है, जितना है काफ़ी है, पूरा पूरा है. रिटायरिंग मीन्स छोड़ना.
तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तुमने जो कुछ भी सीखा है, बेशक वो रिलीजियस फेथ हो, बेशक वो ना वर्ल्डली नॉलेज हो, तुम थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ दो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम सोचते हो सफाइस्ड, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है व्हाट दे आर, जो तुमने सीखा है, बट नेवर फॉरगेटन, और तुम इसको कभी भी नहीं भूल सकते। तो यहाँ पे फॉर्मल नॉलेज, प्रोफेशनल और प्रोफेशन और एजुकेशन की बात की जा रही है कि जो तुम्हारे प्रोफेशन है, जो तुम्हारी एजुकेशन है, जो तुम्हारा फॉर्मल नॉलेज है, उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे बिकॉज तुम सोचते हो कि नहीं, तुमने जो सीखा है ये सब कुछ तुम्हारे लिए सफाइस्ड है, एनफ है, काफ़ी है। तो इन लाइन्स की वजह से मैंने आपको बताया कि अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी कि इन्होंने रिलीजन को स्कूल को छोड़ने का कहा। एनी हाउ, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। हार्बर कहते हैं बिलीफ को, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे एच ए बी ओ बी ओ यू आर होता तो वो बंदरगाह होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी ओ आर है। एनी इसका मतलब बिलीफ, यकीन। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे पर यकीन रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, हैजर्ड मीन्स डिफिकल्टी, कोई भी डेंजरस बात हो, कोई रिस्क हो। तो कहता है कोई भी रिस्क की बात हो, मैं वहाँ पे गुड और बैड मीन्स अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई ही कहता हूँ। मैं गलत को गलत और सही को सही ही कहता हूँ, मैं कभी भी सही को गलत और सही को गलत नहीं कहता, ठीक है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छाई और बुराई पे यकीन रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, कोई भी डेंजर सिचुएशन हो, कोई भी रिस्की सिचुएशन हो, मैं तब भी प्रेफरेंस गुड को गुड के टाइम पर ही करती हूँ और बैड को बैड के टाइम पर ही करता हूँ। नेचर विदाउट चेक, चेक मीन्स एक तो चेक और बैलेंस, ठीक है, वो होता है, कहते हैं चेक होता है रुकना, ठीक है, बगैर रुके। विद ओरिजिनल एनर्जी, जिस तरह एनर्जी जो नेचर जो है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस अपने वक्त पे आती है, अगर रात को आना तो रात आता है, दिन को आना तो दिन आता है, ठीक है। मीन्स जैसा कि गुड एंड बैड की बात की ना, सच है तो सच है, बुरा है तो बुरा है, वैसे नेचर भी अपने ही टाइम पे आता है, वो नहीं देखता कि यहाँ पे डेंजर है या रिस्क है। तो जिस तरह नेचर जो है वो लॉयल रहती है अपनी रूटीन से, अपने डे वर्क के साथ, अपने बिहेवियर के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, तो यहाँ पे वो प्रे कर रहा है कि मैं भी वैसे ही लॉयल रहूँ अपने वर्ड्स के साथ, ठीक है, मैं भी गुड को गुड और बैड को बैड ही कहूँ हर टाइम पे। तो यहाँ पे गुड वर्सेस इवल का थीम भी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारा Section-1 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको इन लाइंस की Line 1-13 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ चुकी होगी। जिसमें थीम देखे, पैट्रियटिज्म का थीम था इसके अंदर, सेल्फ का थीम था इसके अंदर, सेल्फ के अलावा हम देखा इसमें इगोसेंट्रिक एटीट्यूड आया था, और इसके अलावा यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भी इसने बात की इसके अंदर, और बहुत कुछ इसमें देखने को हम लोगों को मिला। और स्कीम हमने देखी अब तक, इसकी स्कीम जो है वो राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखा गया हुआ है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, दुआ में मुझे खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और जिसके साथ आप शेयर करते हो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह हाफिज़।